नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत और कनाडा के तल्ख होते रिश्तों के बीच में अब अमेरिका और ब्रिटेन भी कूद पड़े हैं। जी हां, भारत ने कनाडा से कहा था कि अपने जो है राजनयिकों को आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भारत से वापस बुला लीजिए। भारत ने कहा था कि जितने राजनयिक हमारे कनाडा में हैं उतने ही राजनयिक कनाडा के भी भारत में रहेंगे। 41 राजनयिक जो कि कनाडा के थे उनको वापस भेज दिया गया और वहां की विदेश मंत्रालय का जो बयान आया उसमें कहा कि भारत ने हमारे राजनयिकों की सुरक्षा घटाने की बात कही थी जिसके चलते हमने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। दरअसल ये लड़ाई राजनयिकों से नहीं थी, ये लड़ाई थी जब हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी आतंकी था उसके हत्या की जिम्मेवारी कनाडा ने सीधे सीधे भारत पे थोपी थी। और ये किसी नेता ने नहीं थोपी थी, ये वहां के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ये कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का सीधा सीधा हाथ है। इसके बाद में दोनों देशों के बीच के रिश्ते तल्ख होते गए। कनाडा की मीडिया और वहां की विपक्षी नेताओं ने खुद जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया और कहा कि अगर आपके पास भारत के आपके पास सबूत है हरदीप सिंह निज्जर में भारत का हाथ है और इसके पास आपके पास पुख्ता सबूत है तो फिर आपको दिखाना चाहिए और देश को बताना चाहिए। लेकिन ट्रूडो ने इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया कि हमारे पास सबूत तो है लेकिन हम वक्त आने पर दिखाएंगे, और वो वक्त अब तक नहीं आया और ट्रूडो ने कोई भी ऐसी जानकारी जो है साझा नहीं की। इसके अलावा भारत ने बार बार ये इस तरह के आरोप लगाने से मना किया और उन्होंने कहा कि आप एक देश की देश है और इस तरह के आरोप आप किसी दूसरे देश के ऊपर मर नहीं सकते जबकि आपके पास इसके कोई ठोस सबूत आपके पास नहीं है। ये लड़ाई यहां से शुरू होती है और ये ठीक उसके बाद का समय है जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था और जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे और यहां पर जब उनका प्लेन में खराबी आ गई और 2 दिन तक उनको रुकना पड़ा यहां पर, उनकी पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चीचा लेदर हुई। और जबकि ये पहला वाक्य नहीं था, इसके पहले भी जस्टिन ट्रूडो की फ्लाइट में कई बार खराबी आई और उनको दूसरे देशों में रुकना पड़ा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में वहां की मीडिया मखौल उड़ाने लगी थी, वहां की विपक्षी नेता ट्रूडो का मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन इसका गुस्सा उन्होंने भारत के ऊपर डाला और चूंकि राजनीतिक लिहाज को देखते हुए एक सस्ती राजनीति करने के लिए ट्रूडो ने ऐसा किया क्योंकि वहां पर वो खालिस्तानियों के आका कहे जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश को बिल्कुल आतंकवादियों का पनाहगाह बना दिया है। ये हम नहीं, ये बांग्लादेश भी कह रहा है। बांग्लादेश की विदेश मंत्री ने भी यही बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो संस्थापक है बांग्लादेश का जिनको माना जाता है उनकी हत्या हुई 15 अगस्त के दिन और उसी दिन बांग्लादेश के अंदर जिस शख्स ने हत्या की वो 1996 से लेकर अब तक राजनीतिक शरण लिए हुए कनाडा में जबकि बांग्लादेश ने उसको जो है सजाए मौत दी हुई है। बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान उनकी हत्या में जिस शख्स का नाम था वो शख्स कनाडा में रह रहा है, अभी भी आराम से रह रहा है, कनाडा ने उसका प्रत्यर्पण नहीं किया। ये एक उदाहरण नहीं है, भारत के खिलाफ वहां पर अपनी जमीन का वो खालिस्तान अलग खालिस्तान के और देश विरोधी नारे देने वाले लोग भी वहां पर पनागा लिए हुए हैं और वहीं से अपनी टेररिज्म का पूरा वर्कशॉप चलाते हैं। लेकिन इन सब बातों से ट्रूडो का कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि भारत विदेश मंत्रालय कई बार ट्रूडो के बताता है कि अगर आप किसी भी देश की सरजमी से आतंकवाद पोषित होता है किसी दूसरे देश के खिलाफ साजिश होती है तो इसको रोकना चाहिए। लेकिन ट्रूडो एक सस्ता जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में जो है हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी दूसरे देश को के साजिश के लिए ये बनाया नहीं जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि भारत को वियना संधि का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 41 राजनयिकों को जब भारत से वापस कनाडा भेज दिया गया है तो अमेरिका ने कनाडा की तरफ का पक्ष लिया है और कहा है कि ये ऐसा करने से और विवाद बढ़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि आपको वियना संधि का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1961 में एक सम्मेलन हुआ, एक कन्वेंशन हुआ जिसमें यह कहा गया कि हम सभी देशों के इसमें करीब 194 देश शामिल हुए और इस बात में इस संधि में यह कहा गया कि जो दोनों देशों के परस्पर सहयोग है संबंध है वो राजनयिकों पर टिके हुए हैं क्योंकि अगर एक दूसरे देशों में कुछ भी समस्याएं या किसी तरह का विवाद होता है तो राजनयिक स्तर की बातचीत होती है, इसीलिए एक दूसरे देशों में हर देश में एक दूसरे देशों के राजनयिक मौजूद होते हैं। और भारत में चूंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोग कनाडा में रहते हैं उनके पासपोर्ट वीजा संबंधी जो चीजें होती हैं
उसको लेकर यहां पर भारत में राजनयिक कनाडा के ज्यादा थे, लेकिन भारत ने इसका ऑब्जेक्शन किया और 41 राजनयिकों को वापस भेज दिया। अब अमेरिका और ब्रिटेन को भारत क्या जवाब देगा, यह विदेश मंत्रालय की ओर से बताया जाएगा, लेकिन यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने वीना संधि का यहां पर उदाहरण दे रहे हैं और उस कहा है कि इस संधि को आपको फॉलो करना चाहिए। फिलहाल भारत का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहा है, शुरुआत से क्लियर रहा है। भारत हमेशा कहता है कनाडा को जो है खालिस्तानियों का पनाहगाह नहीं बनाना चाहिए और जस्टिन ट्रूडो को इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक सस्ती राजनीति के कारण अपने देश का प्रयोग किसी दूसरे देश में के खिलाफ जो साजिशें हैं उसको लेकर किया जा रहा है।